एसी सर्किट्स पढ़ रहे थे, ओनली रेजिस्टर इन एसी सर्किट पढ़ लिया था। आगे की बात करें इंडक्टर और कैपेसिटर की, तो दूसरा ओनली कैपेसिटर, पहले पढ़ लो फिर बात कर लेंगे, इसमें भी आएगा फेजर डायग्राम, सब में आएगा, आता ही रहेगा। बड़ी जल्दी याद आया वैसे तुम्हें। देखिए एक कैपेसिटर है, इसको एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी, एसी सोर्स का ईएमएफ ई नॉट साइन थीटा या ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज स्टोर करना, तो ये चार्ज स्टोर कर लेगा, क्यू इज इक्वल टू सी वी, वी की जगह ई लिख सकते हैं सी ई, और ई की वैल्यू खोल के लिखें तो ई नॉट साइन ओमेगा टी। शांत रहे जब तक आपसे ना पूछा जाए तब तक। यहां तक बात समझ में आती है? चलिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट के लिए क्या करें, चार्ज को डिफरेंशिएट कर दे तो काम हो जाएगा, तो क्यू इज इक्वल टू सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी, ये हो गया डी बाय डी टी ऑफ क्यू, डी बाय डी टी ऑफ सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो बन गया करंट, सी और ई कॉन्स्टेंट है, डी बाय डी टी होगा साइन ओमेगा टी का, कितना होगा, बस कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो आई की वैल्यू ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब इसमें अगर यहां पे मैं इसको ओमेगा सी ई नॉट को आई नॉट लिख दूं, ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, या फिर I इज इक्वल टू I नॉट कॉस थीटा, साइन में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको लिख सकता हूं I नॉट साइन थीटा प्लस पाई बाय टू, लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, और EMF जो हमने अप्लाई किया था वो था E नॉट, कंपेयर करें तो दोनों साइन थीटा का फंक्शन है, लेकिन EMF में फेज एंगल थीटा है और करंट में थीटा प्लस पाई बाय टू, तो क्या करंट में एंगल ज्यादा है, एंगल की वैल्यू ज्यादा है, तो क्या मैं कह सकता हूं करंट आगे चल रहा है, करंट लीड कर रहा है, तो यहां काम की बात, इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट leads the voltage by pi by 2। ये बात समझ में आई नहीं आई, रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहते हैं, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, कितने एंगल से लीड करता है, 90 डिग्री से पाई बाय टू से, नोट कर लीजिए फिर आगे बात करेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यहां तक बात समझ में आई तो आगे समझिए थोड़ा सा फिर इसको। अब इसको साइनोसाइडल कर्व की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। अरे यार पहले तो हम देखिए इधर, Thank you.
ये पहले ईएमएफ की बात करें, बढ़ेगा फिर घटेगा फिर बढ़ेगा, ये जीरो, ये मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट, ये मिनिमम माइनस ई नॉट, पाई बाय टू पे मैक्सिमम, पाई पे जीरो, 3 पाई बाय 2 पे मिनिमम और 2 पाई पे फिर जीरो। लेकिन करंट आगे चल रहा है, मतलब लीड कर रहा है, मतलब जब ईएमएफ जीरो था तो करंट ऑलरेडी मैक्सिमम था, जो वैल्यू साइन जीरो की होती है ना, तो जब ये जीरो था तो वो कितना था एंगल 90, तो साइन 90 वाली वैल्यू थी, साइन 90 मतलब 1 मतलब मैक्सिमम, तो करंट कितना था मैक्सिमम, यहां से शुरू हुआ तो ये फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव मिनिमम हुआ, फिर जीरो हुआ, इस तरह से। तो एक ग्राफ याद रखिएगा, करंट इज मैक्सिमम जीरो, पाई बाय टू, पाई और 2 पाई, ये माइनस आई नॉट, ये हमने बनाया साइनोसॉइडल कर्व। बात समझ में आई? इसी का फेजर डायग्राम बना सकते हैं। फेजर डायग्राम इज ए डायग्राम विच प्रोवाइड्स अस द रिलेशन इन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, विच प्रोवाइड्स अस द एंगुलर डिफरेंस इन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज मे बी इन द सेम डायरेक्शन एंड मे बी इन द डिफरेंट डायरेक्शन। इफ द करंट एंड वोल्टेज आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, देन द एंगुलर डिफरेंस इन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज इज प्रोवाइडेड बाय फेजर डायग्राम। तो यहां हमें दिखाई दे रहा है कि करंट और वोल्टेज में एंगल का डिफरेंस है, कितने एंगल का, 90 डिग्री का। मैंने पहले भी बताया था एक्स डायरेक्शन में करंट को शो करेंगे, अब अगर वोल्टेज सेम फेज में है जैसा रेजिस्टर में थी तो वो भी इधर आ जाएगी, वोल्टेज लीड करेगी तो ऊपर, वोल्टेज लैग करेगी तो नीचे। यहां तो करंट लीड कर रहा है मतलब वोल्टेज लैग कर रही है, लैग कर रही है तो वीसी, उस दिन कोई बच्चा पूछ रहा था वीआर क्या है, वीआर मींस वोल्टेज इन रेजिस्टर, वीसी क्या है, वोल्टेज इन कैपेसिटर। दिस इज द फेज डिफरेंस इन बिटवीन द टू विच इज पाई बाय टू और 90 डिग्री, एंड दिस डायग्राम विच प्रोवाइड्स अस द रिलेशन इज नोन एज फेजर डायग्राम। हाँ बात समझ में आई बेटा, नोट करिए। यहां तक आ गया? बदतमीज वालों को तुम सारे के सारे। एक कान की बात कर रहा, कान की बात। समझ लो फिर लिख लेना, हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी है कि वो ये चाहता है कि उसकी बॉडी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना कराया जाए, इलेक्ट्रिक करंट पास ना कराया जाए। तो जो इलेक्ट्रिक करंट को ओपोज करने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रिक करंट को रोकने की जो टेंडेंसी है, इसी को अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिया गया, रेजिस्टर में रेजिस्टेंस, कैपेसिटर में रिएक्टेंस। कौन सा रिएक्टेंस? कैपेसिटर है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब जरा देखिए, तो थियोरेटिकल डेफिनेशन तो सिंपल बन गई, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ए कैपेसिटर ओपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज नोन एज इट्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मैथमेटिकल समझते हैं, जो मेन इक्वेशन आई थी वो ये आई थी करंट की, ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी, जिसमें मैंने इसको आई नॉट कह दिया था। तो जरा समझो, इसको मैं यू भी तो लिख सकता हूं, आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट, और मॉडिफाई करूं तो ई नॉट अपॉन 1 बाय ओमेगा सी लिख दूं। अब ये मान लो इक्वेशन 1, और ओम्स लॉ से बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं आई इज इक्वल टू वी बाय आर, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो करंट की जगह करंट, वोल्टेज की जगह वोल्टेज, क्या रेजिस्टेंस की जगह ये टर्म आ गई। तो ये टर्म वही काम करेगी जो रेजिस्टेंस करता है, इसी को हम रिएक्टेंस कहते हैं।
on comparing 1 and 2, we get 1 by omega c has a resistive nature and is known as capacitive reactance. ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय xc, और xc की वैल्यू इसको याद कर सकते हैं, ओमेगा 2 पाई एफ भी होता है, 2 पाई न्यू भी होता है, 2 पाई एन भी होता है. एन लिखिए, न्यू लिखिए, एफ लिखिए, डिनोट ये करता है फ्रीक्वेंसी को. तो xc का फॉर्मूला 1 अपॉन, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं. अब एक चीज और समझिए, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, ग्राफ बनाने को आ जाएगा फ्रीक्वेंसी वर्सेस एक्सी, डायरेक्टली है इनवर्सली है, ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे रिएक्टेंस कम होता जाएगा, करंट बढ़ता चला जाएगा. रेजिस्टेंस स्केलर होता है तो ये भी स्केलर, यूनिट इसकी ओम. बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए. बोलो बोलो.